तो दोस्तों आज एक और प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, जो कि एक मिनी एयर कंप्रेसर है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कंप्रेसर अच्छा है या ख़राब है या डिफेक्टिव है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप मैं अमेजोन से मंगाया हूँ और ये 400 रुपये का मेरे को पड़ा है और इसको मैं फटाफट अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसको मैं खोल लिया है आपके मतलब सहूलियत के हिसाब से। बहुत बड़ा डब्बा दिया गया है और इस डब्बे में एक डब्बे में है और इस डब्बे में क्या है, बिल्कुल खाली डब्बा है, कुछ भी नहीं है। चलिए डब्बे को साइड इसको करते हैं और इसको फटाफट देखते हैं ये क्या है। एक्चुअल में एक कंप्रेसर है, कुछ इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। एयर कंप्रेसर डीसी 12 वोल्ट और यहाँ 3 नोजल बनाया हुआ है और यहाँ कार बनाया हुआ है और ये 260 PSI का ये कंप्रेसर है। इधर देखते हैं, इधर भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, इधर भी वही स्पेसिफिकेशन और इधर कुछ भी नहीं है। इधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग जो पूछ करके पढ़ सकते हैं, पूछ करके पढ़ भी लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो फटाफट इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए, एक्चुअल में ऐसा एक कंप्रेसर, यहाँ कंप्रेसर ऐसा मिलता है। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बॉक्स को साइड रखते हैं। ये कंप्रेसर काफ़ी छोटा कंप्रेसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और मेरे हथेली के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाता होगा कितना बड़ा है। ये देखिए, हथेली के हिसाब से आपको मालूम, यहाँ पे बस कुछ नहीं, एक एयर गेज दिया हुआ है, यहाँ ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, 260 PSI का ये कंप्रेस कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नोजल मिल जाता है, नोजल क्या इसको सिगरेट प्लग भी बोलते हैं। चलिए वायर को देखते हैं कितना बड़ा वायर है। ये लगभग 2 मीटर मान के चलिए कि वायर है, 2 मीटर वायर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नोजल जो ऊपर दिखाया हुआ था दिया है, यहाँ पे कोई एक नोजल गिर चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ 3 नोजल दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे एयर कंप्रेसर और इसका यहाँ पे फंसाया हुआ है। चलिए कॉफ़ी ऐसे रहेगा और ये आपके ये दिया हुआ है आपके जो भी नोजल रहेगा टायर का उसमें लगाने के लिए, जस्ट लगाना है और ऐसे पुल कर देना है। तो ओके, यहाँ पे और जो ये सब नोजल दिया हुआ है, ये जो नोजल दिया हुआ है आप लोग को, ये जो नोजल दिया हुआ है जस्ट इसमें पुल करना है ऐसे, कुछ ऐसे हो गया और जस्ट इसको लॉक कर देना है, बस हो गया। ठीक, तो एयर कंप्रेसर है। मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास जो 12 वोल्ट का सप्लाई तो नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को चालू करके दिखा देता। और तो दोस्तों अभी एयर कंप्रेसर है रहा, ये एयर कंप्रेसर रहा ये, और मैं 2 दिन पहले चालू किया था। ये नोजल को निकाल लेते हैं। 2 दिन पहले मैं इस कंप्रेसर को चालू किया था, लेकिन ये कंप्रेसर यार सच में बताऊँ तो बहुत ही अमेजिंग घटिया क्वालिटी का है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी है। इसका कुछ भी क्वालिटी नहीं है। अगर आपको साइकिल में हवा भरना है, गुब्बारा फुलाना है, तब तो ये बिल्कुल थोड़ा बहुत काम कर सकता है यार। लेकिन अगर आपको इससे कार में हवा भरना है, बाइक में हवा भरना है और ये सब में, तो ये कोई काम का नहीं, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसका रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चालू किया था इसको, दबाने पे यार इसका
मुश्किल से मुश्किल 50 PSI जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। और इसको मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। मैं एक्चुअल में इसको खोल के तो मैं देखा था लेकिन वीडियो नहीं बनाया, वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा। एक्चुअल में इसका जो है खोलने के बाद जो डीसी मोटर छोटा वाला 555 जो डीसी मोटर आता है उससे भी छोटा मोटर लगा हुआ है यार, तो उससे छोटा मोटर लगा हुआ है कहाँ से उतना कंप्रेस कर पाएगा। हाँ अगर इसमें बड़ा मोटर आप लोग का अगर होता है तो आप लोग लगा दीजिए 775 मोटर, बिल्कुल आपका चल जाएगा, कार में चल सकता है। जल्दी जल्दी नहीं तो 5-10 मिनट बाद ही हवा को भर सकता है। लेकिन इसका बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कार टायर 5 मिनट 300 PSI। इतना कहाँ कर पाता है यार, कुछ भी नहीं कर पाता है, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप लोग इस प्रोडक्ट को ना लें क्योंकि ये बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट है। और मैं लेके यार पछता रहा हूँ, क्या करूँ, रिटर्न भी नहीं हो रहा है, रिटर्न का इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन, मैं देखा नहीं। अब इसमें क्या करूँगा, मैं आपको मैं वीडियो में दोबारा मैं खोल के दिखा दूँगा। तो फिलहाल के लिए यार एक प्रोडक्ट मेरा वेस्ट गया, ठीक है। इसका एक छोटा वाला ऐसा वाला भी आता है, वो वाला भी यार घटिया क्वालिटी, ये सब घटिया क्वालिटी है। ये सब आपको गुब्बारा फुलाना हो तो ले लीजिएगा, और साइकिल में हवा भरना हो तो ले लीजिएगा, और बाइक और इसके लिए कुछ भी एक काम का प्रोडक्ट नहीं है। फिलहाल आपको मर्जी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यार इसमें मोटर चेंज कर दूंगा। जो इसका मोटर है इसको निकाल के 775 मोटर लगा दूंगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इसके अंदर कौन सा मोटर है और कैसा कंप्रेसर है मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए यार वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखना हो ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमको बताइए वीडियो कैसी लगी। तो हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।